आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से एक बार राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित बिल विधानसभा की संपत्ति कहलाती है, राजभवन में बिल लटका हुआ है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को चाहिए कि या तो वो बिल पर हस्ताक्षर कर दें या फिर विधानसभा को लौटा दें। भाजपा के लोग राज्यपाल के विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एकात्मक परिसर से उन्हें पर्ची भेजी जा रही है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं के दो मुंह हैं, एक मुंह से वो विधानसभा में आवाज उठाते हैं और दूसरा मुंह जो बाहर सुनाई देता है। सीएम ने कहा कि महीनों बाद भी राज्यपाल की हठधर्मिता नहीं हटी है। नौकरी करने और पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले प्रदेश भर के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्य रूप से बात यही है कि विधानसभा में पारित जो बिल है, विधानसभा के ही मतलब वो संपत्ति कहलाती है, वो विधानसभा से निकल के राजभवन गया है, वो बिल अटका हुआ है, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को सीधा चाहिए कि यदि याद हस्ताक्षर करे या विधानसभा को लौटाए, दो ही काम है। लेकिन अभी तक के अब फिर से 2 दिसंबर की बात है, आज 2 जनवरी कल आ जाएगा, फिर से सत्र शुरू हो रहा है। तो लेकिन अभी 1 महीने बीतने के बाद भी राज्यपाल जी की हठधर्मिता है, कहिए कि पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का, नौजवान युवक युवतियों का जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।